हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आ गया हूँ मैथमेटिक्स का। आज फिर मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ गया हूँ आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करना जिनको इनकी ज़रूरत है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पेपर टू का है। What is the sum due of ₹5,000 due 4 months hence at 12.5% per annum simple interest? तो पहले यहाँ पे given things लिखते हैं। आपको पूछा है what is the sum due, तो आपको निकालना है यहाँ पे sum due, ये find out करना है आपको, of ₹5,000। तो ये जो 5,000 दिया है वो present worth हो गया। So present worth is ₹5,000 यहाँ पर दिया है, 4 month दिया है, तो n equal to नंबर ऑफ ईयर होता है, तो 4 month को ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 4 upon 12 हो जाएगा, जिसको आप 1/3 ईयर लिख सकते हो, 1/3 ईयर हो गया ये 4 upon 12। उसके बाद आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, r इक्वल टू दिया है 12.5% पर एनम, ठीक है। तो अपने पास फॉर्मूला इसका है सम ड्यू का। देखो फॉर्मूला होता है सम ड्यू इक्वल्स टू होता है प्रेजेंट वर्थ मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट 1 + n × r / 100। ये फॉर्मूला आपके पास सिंपल इंटरेस्ट में प्रेजेंट वर्थ का फॉर्मूला है, सम ड्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वर्थ मल्टीप्लाइड बाय 1 + nr / 100। तो ये सम ड्यू का फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा आपका सम ड्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वर्थ दिया है यहाँ पे 5000 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट 1 + n का वैल्यू है यहाँ पर 1/3 × आर का वैल्यू देखो यहाँ पे कितना दिया है, आर का वैल्यू दिया है आपको 12.5 और ये डिवाइड बाय 100 है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन करते हैं हम लोग इसका, तो सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा सम ड्यू इक्वल्स टू 5000 × 1 + 12.5/3 है, तो ये हो जाएगा आपका 12.5/3 है, तो ये 3 और ये 100 यहाँ पे इंटू कर देंगे हम लोग, तो ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा। सो दिस आई कैन राइट, दिस इज इक्वल टू 5000 × तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, तो ये जाएगा आपका 300 + 12.5/300 आएगा, ठीक है। तो ये 20 और ये 20 आप कैंसिल कर सकते हो अभी। सो दिस इज इक्वल टू जाएगा ये 50 × 300 + 12.5, तो ये जाएगा आपका 300 × 12.5/3। सिंप्लीफाई करना है तो 50 × 312.5, तो ये 0 दैट मीन्स 10 ले लेंगे हम लोग इसको, तो 10 को इससे इंटू किया तो यहाँ पे एक्चुअली मिल जाएगा आपको 5 × 312.5 और यहाँ पे मिल जाएगा आपको डिवाइड बाय 3। तो देखते मल्टीप्लाई करके, ये मिल रहा है आपको, सिंप्लीफाई करते ये आंसर मिलेगा, तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 5208.33 रुपीस। तो सम ड्यू हो जाएगा आफ्टर 4 मंथ 5208.33। तो सम सॉल्व हो गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। देखो सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैथ्स 2 का, फाइंड मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। आपको मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है, तो स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने के लिए आपको पहले वेरिएंस निकालना पड़ेगा, बिकॉज स्टैंडर्ड डिवीजन इक्वल टू होता है अंडर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स। तो पहले हम लोग मीन फाइंड आउट करेंगे, और ये देखो क्वेश्चन में दिया है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, बिकॉज 0 < x > 1 यहाँ पर दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, पहले मीन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो मीन फाइंड आउट करने का देखो फॉर्मूला है, मीन को लिखते हैं हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन −∞ to +∞ और ये होता है x(f(x)dx, ये फॉर्मूला है। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन −∞ to +∞, ये जनरल लिमिट है, आपको लिमिट लिखना है क्वेश्चन से। क्वेश्चन में देखो एक्स का लिमिट क्या दिया है 0 to 1, तो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1 हो जाएगा यहाँ पे, x into f of x आपको जो फंक्शन दिया है वो लिखना है, तो फंक्शन दिया है 6x into 1 - x और ये dx हो जाएगा, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग इसको, सो दिस इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग,
तो ये हो जाएगा 6 इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये 6x स्क्वायर हो जाएगा। 6x स्क्वायर से ब्रैकेट ओपन करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर इंटू 1, तो 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा आपका 6x क्यूब हो जाएगा, और ये लिख दिया हमने यहाँ पे dx। सो दिस इज इक्वल, अब इसका इंटीग्रेशन ईजी है निकालना, 6x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा 6x रेज टू 3 अपॉन 3 हो जाएगा माइनस 6x क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा 6x रेज टू 4 अपॉन 4 हो जाएगा, और यहाँ पे लिमिट है आपका 0 टू 1, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग यहाँ पे, सो दिस इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई कर लो यहाँ पे, एक बार x का वैल्यू आपको 1 पुट करना है, बाद में x का वैल्यू 0 पुट करना है, लिमिट अप्लाई करेंगे, तो 6 इंटू एक्स का वैल्यू 1 पुट करोगे तो 6 इंटू 1 6 रहेगा, डिवाइड बाई 3, देन माइनस है, यहाँ पे x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये 6 बाय 4 ही रहने वाला है, माइनस करते हैं लोग लोअर लिमिट, अगर आप x का वैल्यू 0 पुट करो तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो यहाँ से 6 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4 हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू 6 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई 4 वन ज़ा 4 माइनस 3 वन ज़ा 3 डिवाइड बाई 12, तो ये मिल जाए आपको 6 इंटू 1 डिवाइड बाई 12, तो यहाँ से मिलेगा आपको 1 बाई 2, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x मिल गया अपने को हाफ, या इसको आप 0.5 लिख सकते हो, सो दिस इज कॉल्ड एज द मीन, ठीक है। फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व हो गया है, मीन आपको मिल गया है 0.5। नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है वेरिएंस ऑफ x, तो वेरिएंस ऑफ x फाइंड आउट करने के लिए मीन का रिक्वायरमेंट है और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर का रिक्वायरमेंट है। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन, लिमिट आपको दिया ये 0 टू 1, और फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये फॉर्मूला है इसका, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू 1 एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, आपका यही है क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा 6x इंटू 1 माइनस एक्स, और ये dx हो जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू 1 एक्स स्क्वायर इंटू 6x, तो ये हो जाएगा आपका 6x क्यूब हो जाएगा इंटू ब्रैकेट 1 माइनस एक्स dx, सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 6x क्यूब इंटू 1, तो ये हो जाएगा आपका 6x क्यूब माइनस 6x क्यूब इंटू एक्स, तो आप इसको लिखोगे 6x रेज टू 4 लिख सकते हैं हम लोग इसको, और ये आएगा आपका इंटू dx, ठीक है। सो देखते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या यहाँ पे मिलता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अभी आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है दोनों टर्म्स का, तो ये हो जाएगा 6 इंटू एक्स रेज टू 3 का इंटीग्रेशन आपको मालूम है होता है एक्स रेज टू 4 अपॉन 4 हो जाएगा, माइनस 6 इंटू एक्स रेज टू 4 का इंटीग्रेशन मालूम है एक्स रेज टू 5 अपॉन 5 हो जाएगा, और यहाँ पर लिमिट है आपका 0 टू 1, ठीक है। लिमिट अप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट विल पुट अपर लिमिट, पहले x का वैल्यू 1 पुट करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो x का वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये 6 अपॉन 4 रहेगा माइनस x का वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये 6 अपॉन 5 रहेगा। लोअर लिमिट x का वैल्यू 0 पुट किया तो 0 हो जाएगा वो, सो दिस इज इक्वल टू 6 कॉमन ले लो यहाँ पे, तो बचेगा 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 6 इंटू 5 माइनस 4 डिवाइड बाई 20, ये हो जाएगा आपका 6 बाई 20। सिंप्लीफाई किया 2 से कैंसिल, 2 3 ज़ा 2 10 ज़ा, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर मिल गया आपको 3 बाई 10। सी ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज 3 बाई 10, 3 बाई 10 को आप 0.3 लिख सकते हो। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द वेरिएंस ऑफ एक्स एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, तो पहले हम लोग वेरिएंस ऑफ एक्स निकालते हैं, तो वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स द होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है इसका। तो वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे फाइंड आउट किया आपने 0.3, सो लिख दिया मैंने 0.3 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर है, इसका मीनिंग होता है मीन का स्क्वायर, तो मीन जस्ट मैंने अभी फाइंड आउट किया था 0.5 मिला था, तो 0.5 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 0.3 माइनस 0.5 का स्क्वायर किया तो 0. आपको मिलेगा ये 25, ठीक है। तो 0.30 माइनस 0.25 तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 0.05, तो वेरिएंस ऑफ एक्स मिल गया आपको 0.05। क्वेश्चन है फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इक्वल टू होता है अंडर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स,
सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 0.05। तो इसका रूट निकालोगे तो आपको मिलेगा 0.2236। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। सम सॉल्व हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा जरूरत है प्रैक्टिस करने की। तो ये 4 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में एक बार आ चुका है। देखिए यहाँ पे थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैथ्स पेपर 2 का। गिवन दैट R का मीनिंग होता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन वेरिएबल x एंड y। तो R का वैल्यू 0.4 दिया है। समेशन x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार इक्वल टू 108 है। सिग्मा y मतलब होता है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y आपको दिया है 3। एंड समेशन x माइनस x बार द होल स्क्वायर इक्वल टू आपको दिया है 900। तो क्वेश्चन है फाइंड n, आपको n फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना है। तो आपको R दिया है ना कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y, तो हम लोग R का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। सो कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज गिवन बाय, इसका फॉर्मूला होता है कोवेरियंस बिटवीन x एंड y डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। ये फॉर्मूला इसका है। ये हो जाएगा आपका R इक्वल टू कोवेरियंस बिटवीन x कॉमा वाई का फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला है समेशन x माइनस x बार इंटू यहाँ पे होता है y माइनस y बार डिवाइडेड बाय n। ये फॉर्मूला हो गया कोवेरियंस का अपॉन सिग्मा x, सिग्मा y दिया है आपको 3, तो मैंने 3 लिख दिया सिग्मा y का वैल्यू। और यहाँ पे सिग्मा x का मीनिंग होता है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x, तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x का फॉर्मूला होता है यहाँ पे अंडर रूट समेशन x माइनस x बार द होल स्क्वायर डिवाइड बाय n। ये फॉर्मूला होता है बिकॉज स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इक्वल टू होता है अंडर रूट वेरियंस ऑफ x, तो ये वेरियंस ऑफ x का फॉर्मूला है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग यहाँ पे। R का वैल्यू आपको दिया है 0.4 इक्वल्स टू, ठीक है, समेशन x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार का डायरेक्ट वैल्यू दिया है 108। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 108 अपॉन n, और ये डिवाइडेड बाय देखो 3 इंटू, यहाँ पे लिख दिया 3 इंटू अंडर रूट यहाँ पे समेशन x माइनस x बार द होल स्क्वायर का वैल्यू देखो दिया है 900। ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 900 अपॉन n। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 0.4 इक्वल टू 108 डिवाइड बाय n है, और यहाँ पे हो जाएगा अपॉन ये 3 इंटू रूट 900 है, तो रूट 900 का वैल्यू आपको मालूम है 30 आता है, और ये अपॉन रूट n, तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा अपॉन रूट n। सिंप्लीफिकेशन करते हैं हम लोग इसको, 0.4 इक्वल टू 108 अपॉन n मल्टीप्लाइड बाय, ये डिवाइड है तो वहाँ पे ऊपर जाएगा तो रूट n हो जाएगा ये डिवाइडेड बाय 3 इंटू 30, तो ये हो जाएगा आपका 90। ठीक है, आपको n फाइंड आउट करना है वो ध्यान में रखो, n निकालना है आपको। तो ये हो जाएगा 0.4, ठीक है, 0.4 इक्वल्स टू 108 अपॉन, अभी ये n लिखा हुआ है तो n को हम लोग रूट n इंटू रूट n दो बार लिख सकते हैं इसको। तो ये n को आप लिख सकते हो रूट n इंटू रूट n, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे रूट n है डिवाइड बाय यहाँ पे 90। ठीक है, तो ये रूट n कैंसिल हो जाएगा आपका। सो दिस इज 0.4 इक्वल्स टू बच रहा है आपका 108 अपॉन 90 इंटू रूट n बच रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग इसको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4 इंटू 90 इंटू रूट n इक्वल टू हो जाएगा ये 108। ठीक है, इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका रूट n इक्वल्स टू हो जाएगा 108 डिवाइडेड बाय 0.4 इंटू 90। इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं हम लोग, तो पॉइंट को निकालने के लिए 10 से इंटू कर देते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 1080 डिवाइडेड बाय यहाँ पर जाएगा ये 4 इंटू 90 हो जाएगा। सो दिस इज़ ये ज़ीरो कैंसिल कर सकते हो आप, ये आप 108 और 4 को भी कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, 4 वन ज़ा 4 टू ज़ा हो जाएगा, 4 सेवन ज़ा हो जाएगा 27/9, तो 27 अपॉन 9 किया तो ये 3 हो जाएगा, तो रूट एन का वैल्यू 3 मिला। ठीक है, अब ये स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो रूट एन का स्क्वायर करोगे ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा n इक्वल टू 9, तो नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9 हो जाएगा। 3 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ चुका है एक बार। देखो फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग,
लेट एक्स इक्वल टू दिया है अमाउंट ऑफ टाइम फॉर विच अ बुक इज टेकन आउट ऑफ अ कॉलेज लाइब्रेरी बाय अ स्टूडेंट एंड सपोज एक्स हैज़ द पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया है दैट मीन्स वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है. एफ ऑफ एक्स आपको दिया है 0.5 इंटू एक्स, 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स, लेस देन और इक्वल टू 2, और ये दिया है 0 अदरवाइज. क्वेश्चन है फाइंड प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन और इक्वल टू 1, और सेकेंड है फाइंड प्रोबेबिलिटी 0.5 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 1.5. तो ये प्रोबेबिलिटी वैल्यूज फाइंड आउट करना है. तो बहुत ही सिंपल है प्रोबेबिलिटी निकालना पीडीएफ का, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का. देखो फर्स्ट आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है. तो जब भी पीडीएफ दिया रहेगा दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं. ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन. यहाँ पे क्या लिखा है प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन और इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स होगा. अब यहाँ पे लिमिट देना है. लिमिट देखो यहाँ से देखेंगे हम लोग, प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 है तो 1 जो है वो अपर लिमिट है. तो अपर लिमिट में आप 1 लिख दोगे, बट एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 तो लोअर लिमिट यहाँ पे दिया नहीं है. तो लोअर लिमिट जो हम लोग क्वेश्चन से लिखते, देखो यहाँ पे लोअर लिमिट देखो एक्स का 2 है तो यहाँ पे लोअर लिमिट 2 हो जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1. एफ ऑफ एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो 0.5x, दिया जाएगा 0.5 इंटू एक्स डी एक्स हो जाएगा. इंटीग्रेशन निकालना बहुत ही ईजी है, 0.5 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा इनटू. अब यहाँ पे x बचेगा, x का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पे लिमिट आएगा आपका 0 टू 1. तो सॉल्व करते हैं हम लोग 0.5, 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा ये अपॉन 2, और यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दो. एक बार x का वैल्यू 1 पुट करना है माइनस x का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा और 0 पुट किया तो 0 आता है. सो दिस इज इक्वल हो जाएगा 0.5 अपॉन 2 इंटू 1. तो 0.5 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 0.25 मिलेगा, ठीक है. तो ये देखो फर्स्ट पार्ट हो गया आपका, प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू 1 मिल गया आपको 0.25. ये फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकेंड पार्ट देखो यहाँ पे क्या पूछा है, फाइंड प्रोबेबिलिटी 0.5 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 0.1.5. तो ये है प्रोबेबिलिटी 0.5 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1.5, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है. तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन f ऑफ x dx. f ऑफ x तो वही रहेगा आपका 0.5 इंटू dx, ठीक है, 0.5x इंटू dx. नाउ सी हियर, अभी यहाँ पे जो लिमिट रहेगा, देखो लोअर लिमिट भी दिया है और अपर लिमिट भी दिया हुआ है. तो लोअर लिमिट है यहाँ पे 0.5 और अपर लिमिट है 1.5. इंटीग्रेट कर देते हैं हम लोग इसको. तो 0.5x का इंटीग्रेशन आएगा 0.5 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन आता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पे आपका लिमिट हो जाएगा 0.5 से लेकर के 1.5. तो सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, 0.5 अपॉन 2 तो 0.25 बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन के. लिमिट अप्लाई करना है, x का वैल्यू एक बार आपको 1.5 पुट करना है तो ये हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर माइनस x का वैल्यू आपको फिर 0.5 पुट करना है तो 0.5 का स्क्वायर, ठीक है. तो सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग इसको, 0.25 इंटू ब्रैकेट 1.5 का स्क्वायर किया तो 2.25 आएगा, 2.25 माइनस 0.5 का स्क्वायर किया तो आपको मिलेगा 0.25. सो सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, 0.25 इंटू 2.25 माइनस 0.25 यू विल गेट हियर 2, तो मल्टीप्लाई किया तो आपको 0.50 आंसर मिलेगा, 0.50 और यू कैन राइट 0.5. सो प्रोबेबिलिटी 0.5 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 1.5, आंसर आएगा 0.5. सम सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए, समटाइम्स 3 मार्क्स के लिए भी आता है. देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए. For an immediate annuity paid for 3 years with interest compounded at 10% per annum, its present value is rupees 10,000. तो आपको present value दिया है यहाँ पे, present value equals to rupees 10,000 है, this is 10,000. Rate of interest अपने को दिया है R equal to यहाँ पे 10% दिया है. तो यहाँ से I find out करोगे, I का formula होता है R upon 100, तो ये हो जाएगा आपका 10 upon 100. तो ये मिलेगा अपने को 0.1 मिल जाएगा. तो I का वैल्यू 0.1 मिल जाएगा. आपको फाइंड आउट क्या करने के लिए बोला है यहाँ पे, accumulated वैल्यू आफ्टर 3 years. तो n का वैल्यू 3 दिया है,
वी हैव टू फाइंड आउट एक्यूमुलेटेड वैल्यू, आपको ए फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, इसका फॉर्मूला अपने पास है, एक्यूमुलेटेड वैल्यू ए इक्वल टू होता है पी इंटू ब्रैकेट वन प्लस आई रेज टू एन, ये फॉर्मूला है। सो एक्यूमुलेटेड वैल्यू इक्वल टू पी दिया है आपको, प्रेजेंट वैल्यू 10,000 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 10,000 ब्रैकेट में 1 प्लस आई का वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है 0.1, तो 0.1 रेज टू एन, नंबर ऑफ ईयर 3 दिया हुआ है। सो दिस इज इक्वल टू जाएगा ये 10,000 ब्रैकेट में 1.1 रेज टू 3 हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू 10,000 और ये मल्टीप्लाइड बाय 1.1 रेज टू 3 का वैल्यू दिया है आपको क्वेश्चन में, 1.1 रेज टू 3 का वैल्यू है 1.331, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो यहाँ पे आंसर मिलेगा आपको 13310, सम सॉल्व हो गया 13,310। सो इफ 10,000 इज द प्रेजेंट वैल्यू देन इट्स एक्यूमुलेटेड वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स विल बी 13,310। तो सम सॉल्व हो गया है, बहुत ईजी है, समटाइम्स 3 मार्क्स के लिए और समटाइम्स 4 मार्क्स के लिए पूछता है। माय डियर स्टूडेंट, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, अगर आपने स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखा होगा वीडियो को। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी क्वेश्चंस है मैथमेटिक्स के, वो मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकूं, सो दैट आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर किसी को इस वीडियो को आपको लगता है कि किसी को ज़रूरत है, तो इस वीडियो को शेयर कर दें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।